कैसे आप लोग गाइज। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइज। अगर आप मैक लेना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो आप लोग एंड तक मिनट ये देख सकते हैं। ये मैक हम परचेज किए थे, कि इस जो मैक है इस मैक में क्या सब दिया हुआ था और अनबॉक्सिंग इसका पूरा हम किया है, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैक लेना चाहिए या नहीं, हम इस मैक को यूज किए हैं उसके बाद हम बताने वाले हैं ये मैक कैसा है। इसका प्राइस है 204 रुपया, ठीक है। और इसको हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किए थे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर है या जो यूट्यूबर नहीं है वो भी अगर चाहते हैं कि हम मैक परचेस करें, तो ये मैक के बारे में हम पूरा रिव्यू देने वाले हैं कि ये मैक लेना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई भी अगर आदमी रहता तो वह चाहता है कि अच्छा प्रोडक्ट हमें मिले, ठीक है। तो ये जो मैक है इसको हम यूज किए हैं, करीब 7 से 8 वीडियो मेरा इसी से गया है यूट्यूब पर, आप लोग देखे होंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे पहले से। तो फ्रेंड्स, इस मैक में आवाज़ सब भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन देख सकते हैं आप लोग इस वॉइस को आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है, ठीक है। देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया, यही फ़ोटो है, ठीक है। अगर आप उस फाइल से फ़ोटो हम जिसे हम डिलीट कर देते हैं, ऐसा ही आप लोगों को सुनाई देगा। अगर आप इस मैक को परचेस करेंगे तो कुछ दिन ठीक रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप लोगों को वीडियो में अच्छा आवाज़ क्वालिटी सब कुछ आता है, लेकिन वॉइस में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, ठीक है। चिड़चिड़ापन जैसे उसमें वॉइस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को सुनाई देगा कि वीडियो में चिड़चिड़ापन इस मैक का, ठीक है। तो आपको ये मैक अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन वॉइस में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और कुछ दिन आप अच्छे से इसको यूज करेंगे फिर वॉइस में आप लोगों को प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है, ठीक है। और अगर आप अच्छे मैक लेना चाहते हैं तो बोया M1 का मैक आप लोग ले सकते हैं, इसका प्राइस 700-800 रुपया पड़ेगा, ठीक है। सिंगल वाला भी आता है, डबल वाला भी आता है, ओपन कैमरा में वह मैक लग जाता है। ओपन कैमरा आप लोग यूज कीजिएगा, अगर आप एक यूट्यूबर है तो ओपन कैमरा में मैक सपोर्ट ले लेता है, और कैमरा में तो सपोर्ट लेगा ही लेगा, ठीक है। और इसमें जैसे डबल मैक भी आता है बोया में, ठीक है। तो आप लोग बोया का मैक परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग परचेस कर लीजिएगा। अगर आपको बोया M1 का मैक अच्छा लगेगा 100%, क्योंकि वह मैक सभी यूट्यूबर लगभग वही मैक यूज करता है। कोई यूट्यूबर चाहता है कि मोबाइल वाला मैक ले तो बोया M1 परचेस करेगा। गाइस, मेरा अभी वॉइस इसी से रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, देख सकते हैं ये अरोमा का ये ब्लूटूथ है, इसका भी हम लिंक दे दिए। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें, इस ब्लूटूथ का अनबॉक्सिंग आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए। अरोमा का है ये, अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग, आवाज़ क्वालिटी सब भी ठीक ठाक है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो जो दिख रहा है आप डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे दिया है, वहाँ से इस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके इस रमा वाला ब्लूटूथ का अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, और वहाँ पे इसका लिंक है तो परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।